नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आईबीस टेक्नोलॉजीज के यूट्यूब चैनल पर। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने आपको व्यूसोनिक इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल के बारे में बताया और उसके राइटिंग सॉफ्टवेयर माई वी बोर्ड के बारे के एंड्रॉयड वर्जन के बारे में हमने आपको डिटेल से जानकारी दी। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल के साथ में विंडोज का यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल के साथ में विंडोज को यूज करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है, अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल लैपटॉप या एक्सटर्नल सीपीयू आपके पास में है तो आप उसे इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल से एचडीएमआई केबल या वीजी केबल के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और उसे इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल के साथ ही उसे यूज कर सकते हैं। उसके एंड्रॉइड के साथ में आप उसको विंडोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर मेरा एक जो लैपटॉप है उसे एचडीएमआई केबल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, तो इस जगह पर जो आपका डिस्प्ले है इस जगह पर आपको एक एचडीएमआई का आइकन नजर आता होगा। तो अगर मुझे मेरे विंडोज को यूज करना है, ठीक है, अगर मैं अपनी विंडोज को यूज करना चाहता हूँ तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक विंडोज पे स्विच हो जाएगा। देखिए, तो जब आप इसे विंडोज पे यूज कर स्विच कर लेते हैं, उसके बाद में आप अपनी कोई भी फाइल्स वगैरह है विंडोज का आप यूज करना चाहते हो, जो भी आपने आपके विंडोज से काम आप करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो। कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल है उसे यहीं से टच करके ओपन कर सकते हो। आपके कोई भी पीपीटी फाइल है या फिर कोई भी आपकी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। ओपन करके कोई भी आपकी फाइल हो डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए, आपका टच का यहाँ पर वर्क कर रहा है तो आप उसको ओपन करवा कर उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको विंडोज के ऊपर राइटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करना है, यहाँ पर भी आपको जो अपनी फाइल्स वगैरह है वो बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर इंपोर्ट करके और उसे यहाँ पर यूज करना चाहते हो, तो जो माई वी बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड वर्जन जो आपने देखा वही आप विंडोज के लिए भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो जस्ट आप उसको अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए और उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका तरीका है, जैसे अभी अब आपको यहाँ से एंड्रॉइड पर स्विच होना है, जस्ट आपको यहाँ पर जाइए उसको होम पे प्रेस कर दीजिए, ये आपका एंड्रॉइड के ऊपर स्विच हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड जो इसका तरीका है विंडोज से कनेक्ट होने का वो है ओपीएस के थ्रू। जैसा कि आप सब जानते हैं ओपीएस एक विंडोज का ही एक रूप है जिसे स्पेशली आईएफपी के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्मली आप अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको 80 पिन के साथ में ओपीएस मिल जाते हैं। यहाँ पर जो व्यूसोनिक का जो ओपीएस है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो व्यूसोनिक का ओपीएस है ये आपके 120 पिन के साथ में आता है। तो 120 पिन होने का क्या बेनिफिट मिलता है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी जो ओपीएस जो आते हैं 80 पिन के साथ में तो उनसे बेहतर आपको देखने को मिलती है। अब ओपीएस को इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल में इंसर्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर पैनल के राइट साइड में एक रैक होती है, वहाँ पर आप इस ओपीएस को सिंपल सा इंसर्ट कर दीजिए। जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर मेरे ओपीएस को इस जगह पर साइड में एक रैक है यहाँ पर मैंने लगाया और उसको अंदर स्विच कर दिया। तो जैसे ही आपने ओपीएस को अंदर स्विच किया आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पीसी का आइकन भी नजर आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने पैनल के अंदर ओपीएस को इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आपको एक HDMI का ऑप्शन नजर आ रहा था जो मैंने मेरा एक्सटर्नल लैपटॉप है वो इससे कनेक्ट किया था। अब मैंने जैसे ही OPS को इसमें इंसर्ट किया तो यहाँ पर आपको एक
पीसी का आइकन भी नजर आ रहा है। तो आप अपना एक्सटर्नल लैपटॉप, अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सटर्नल लैपटॉप और ओपीएस आपको दोनों एक साथ यूज करने हैं, तो दोनों भी आप एक साथ यूज कर सकते हो। जस्ट अगर आपको अपने एक्सटर्नल लैपटॉप पर स्विच होना है, आप HDMI के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट अपने एक्सटर्नल लैपटॉप के ऊपर स्विच हो जाएंगे। अगर आपको पीसी के ऊपर स्विच होना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर पीसी पर क्लिक कर दीजिए, आप अपने ओपीएस पर जो आपने इंडक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट आप उसके ऊपर स्विच हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका पूरा विंडोज का पार्ट आपके सामने है, इसके साथ में आप यहाँ पर जो भी अपने विंडोज का वर्क करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो, और जो राइटिंग सॉफ्टवेयर माई वी बोर्ड उसको आप विंडोज पर भी यूज कर सकते हो। जब हम राइटिंग सॉफ्टवेयर को माई वी बोर्ड को जब हम विंडोज पर यूज करते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ यूनिक फीचर्स और देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं हमें इसमें क्या क्या फीचर्स और देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरी आपकी विंडोज है, यहाँ पर आपको जो भी अपने विंडोज से रिलेटेड वर्क करने वो आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन किया है। जैसा इंटरफेस आपने एंड्रॉइड पे देखा था, सेम वही चीज आपको विंडोज पे ही मिलने वाली है। जो ऑप्शंस आपने एंड्रॉइड पे देखे थे वही वो ऑप्शन आपको विंडोज पे ही मिल जाएंगे, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा और कुछ यूनिक फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब हम पेन की बात करते हैं, जो यहाँ पर यूज करेंगे हम पेन, तो यहाँ पर हमको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको मार्कर के साथ में पेन ब्रश का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, कि आपको कुछ अलग तरीके से इसके ऊपर राइटिंग करनी है, ठीक है, थोड़ा अलग फॉन्ट के साथ में आपको इसमें राइटिंग करनी है, तो इस तरीके से आप इसमें उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वही हाइलाइटर भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको लेजर पेन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको AI पेन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो हमने एंड्रॉयड वर्जन में देखा था, बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इरेजर की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पाम इरेजर का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। आप विंडोज पर भी जब OPS के साथ में आप यूज कर रहे हैं, विंडोज पर भी आप पाम इरेजर के थ्रू इरेज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इरेजर के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें शेप वगैरह इंसर्ट करवाने के लिए, जब हम शेप्स इंसर्ट करवाते हैं तो एंड्रॉइड वर्जन में आपने देखा आपको नॉर्मल शेप्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शेप रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप चाहते हो कि सर्कल वगैरह आप ड्रॉ करें वो ऑटोमेटिक उसके एक्चुअल शेप में आपको नजर आ जाए, यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो ऑप्शन को, जैसे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने उसको ड्रॉ किया और वो एक एक्चुअल शेप के साथ में यहाँ पर शो हो गया। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर को ड्रॉ किया। अब आप इसमें एक चीज और देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जिस भी तरीके की यहाँ पर ड्रॉइंग करता हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक उसको शेप उसके एचओ शेप में कन्वर्ट करने के साथ में यहाँ पर जो आपको इसके जो डिग्री ये कितने डिग्री का इसमें कोण बना हुआ है और कितने सेंटीमीटर्स की ये लाइंस है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए, तो यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ हुई है ये कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ हुई है, इन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना है, वो सारा ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दे देगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप कुछ टेबल्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, कि जैसे आपको मान लीजिए कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करवानी है, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पर टेबल्स इंसर्ट करवा दी। उसके बाद जैसे आप इसमें कुछ राइट आप कुछ लिख रहे हो यहाँ पर,
या फिर मान लीजिए आपको कोई शेप इसमें इंसर्ट करवानी है, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल को आपको इसमें इंसर्ट करवाना है, तो आप जैसे इसको यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे देखिए, जैसे आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे ये ऑटोमेटिक उसकी शेप में अपने आप को मतलब उसके जो साइज वगैरह है ऑटोमेटिक अपने आप इसको इंक्रीज कर लेगा। जैसे आप देखिए, मैं अगर इसको निकाल दूँ तो ये वापस अपनी एक्चुअल शेप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब जैसे ही अगर मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक रेड कलर का यहाँ पर आपको साइन दिख जाता है। तो जैसे आप इंसर्ट करवाते हैं ये ऑटोमेटिक उसकी साइज को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें आपको जैसे आपने एंड्रॉइड वर्जन में देखा यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, विंडोज वर्जन में यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ राइटिंग करना चाह रहे हो और आप चाह रहे जो आपने राइटिंग किया है उसे एक एक्चुअल जो कंप्यूटर टेक्स्ट होता है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे डबल तो यहाँ पर एक हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आइकन आपको नजर आ रहा है कि क्या आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको एक जो कंप्यूटर टेक्स्ट है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से राइटिंग करता हूँ, अब आप देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये इसको एक कंप्यूटर टेक्स्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आपको जो और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है आपके पास में, कुछ वर्ड के फॉर्म में है, या फिर आपके पास में इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर से, ठीक है, क्रोम ब्राउजर से मैं कुछ थ्योरिकल इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं शिवाजी महाराज के बारे में कुछ सर्च करके बोर्ड पर इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे विकिपीडिया से कुछ चीज़ें बोर्ड पर इंपोर्ट करवानी है, तो जो भी मुझे चाहिए उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया और कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद में वही यहाँ पर आपको पेस्ट का आइकन मिल जाता है, आप उसके बोर्ड को ऊपर पेस्ट करवा सकते हो। अब ये जो पेस्ट हुआ है, अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर कुछ अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आप इस टेक्स्ट को भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्ट हटा सकते हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको अब ये जो आपका टॉपिक है इसका आपको एक प्रोनाउंसिएशन करना है इंग्लिश के अंदर, आप सिंपली उस टॉपिक को ऊपर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो शिवाजी भानसेली आई मराठी प्रोनाउंसिएशन 1627/February 19 16th to April 3rd, 168, also referred to as Chhatrapati Shivaji, was an Indian ruler and. आप चाहते हो इसकी जो स्पीच है वो फीमेल वॉइस में करना चाहते हो तो आप फीमेल वॉइस में भी कर सकते हो। उसकी जो स्पीड है, स्पीड को भी आप कम और ज्यादा अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसी के साथ में जो नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलती है कि जैसे ये आपका टॉपिक इंग्लिश में है, आप जो आपका टॉपिक है उसे आप
ट्रांसलेट करना चाहते हो अदर लैंग्वेजेस के अंदर, और उसका आपको अगर जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी के अंदर ही आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी चाहिए, आप चाहते हो कि हिंदी के अंदर सब कुछ बोल के बताए, तो माई वी बोर्ड के साथ में आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जस्ट इसी के नेक्स्ट आइकन पर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर का ऑप्शन है, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हो ये पूरा डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर के ऊपर स्विच हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए ये पूरा जो डॉक्यूमेंट था आपका, जितना भी आपका पूरा जो आपने टॉपिक इंटरनेट से लिया था या फिर आपके पास में अलग से कुछ फाइल्स वगैरह वहाँ से आपने उसको कॉपी पेस्ट करवाया था, वो पूरा पूरा यहाँ पर एक इमर्सिव रीडर के ऊपर शो हो गया। अब आप अगर इसकी टेक्स्ट के जो साइज वगैरह है, गैप वगैरह है इसके अंदर, वो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट का साइज है वो आपको कम करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज वगैरह, जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह वो आपको चेंज करनी है, थीम्स वगैरह आपको चेंज करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का आइकन नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और व्यूसोनिक भी एक यूएसए की कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों का यहाँ पर टाई अप है। माइक्रोसॉफ्ट अपना इमर्सिव रीडर का सपोर्ट यहाँ पर देता है, ठीक है। इसके साथ में जैसे ये आपका इंग्लिश का पूरा टॉपिक है, आप इस पूरे टॉपिक में देखना चाहते हो कि कितने ऐसे वर्ड्स है जो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, ये चीज़ आपको अगर देखनी है तो जस्ट आप ये जो आइकन्स आ रहे हैं जो यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं उन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जिस कलर के अंदर यहाँ पर चूज़ किया हुआ है उस कलर के अंदर वो आइकन्स जो ये वर्ड्स है वो उस कलर के अंदर शो हो जाएंगे, कि आपको जिससे पता लग जाएगा अगर आपको यहाँ पर देखना है आप उसके लेवल भी शो कर सकते हो, तो जो जो वर्ड्स नाउन है उनके ऊपर नाउन का सिंबल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ऐसे आप इसमें अलग अलग चीज़ों को शो कर सकते हो। आप देखिए मैं आपको थोड़ा सा साइज और कम करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए जितने भी नाउन है, एडवर्ब है, ठीक है, तो उनको ऊपर सारे के सारे जो उनके आइकन्स है, जो उनके फॉर्म है, वो सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ में जैसे मैं इनको हटा देता हूँ, अब आप चाहते हो जो आपका ये टॉपिक है इसको आपको अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप उनको एट इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो। इमर्सिव रीडर एट इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी को प्रोनाउन करके भी यहाँ पर दिखाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए आपको बांग्ला देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे पूरा बांग्ला के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, पंजाबी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको गुजराती देखने को मिल जाएगी, आप उसको गुजराती में भी स्विच कर सकते हो, पंजाबी आपको देखने को मिल जाएगी, मराठी आपको देखने को मिल जाएगी, तमिल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी, उनके अंदर आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आप देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि इसका आपको हिंदी में ही प्रोनाउंसिएशन करना है, तो जैसे आप इस आइकन पे यहाँ पर प्ले करेंगे इसको, शिवाजी भोसले आए, मराठी उच्चारण 1627 19 फरवरी 1630 से 3 अप्रैल 168, जिसे छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है, एक भारतीय ये पूरे उस टॉपिक को हिंदी में ही प्रोनाउन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप उसकी भी जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, वॉइस का भी सिलेक्शन आप फीमेल और मेल वॉइस के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाले और ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर जब हम कुछ फाइल्स वगैरह इंसर्ट करवाते हैं, यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड में आपने देखा वहाँ पर आप पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस, फाइल वगैरह बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते थे। यहाँ पर आपको आपकी पीपीटी फाइल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कि आप चाहते हो कि आपकी जो पीपीटी फाइल है वो आपको बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक पीपीटी फाइल यहाँ पर कॉपी की हुई है, अब मुझे इस फाइल को बोर्ड पे इंपोर्ट करवाना है, तो जस्ट मैंने उसको
डबल क्लिक किया, या फिर आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। देखिए ये आपकी पीपीटी फाइल यहाँ पर शो हो गई। यहाँ पर देखिए आपका पूरा पीपीटी फाइल भी आप यहाँ पर बोर्ड पे इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके ऊपर आपको राइटिंग करनी है नॉर्मल, आप अपना जो भी पेन के ऑप्शंस वगैरह वहां से भी आप राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए जैसे आपको बाकी और जो फाइल्स इंपोर्ट करवानी है तो वो सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। पीडीएफ आप इंपोर्ट करवा सकते हो, वही वीडियोस वगैरह आप इंपोर्ट करवा सकते हो, गूगल ड्राइव से आप इंपोर्ट करवा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से आप इस पे इंपोर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ बेसिक टूल्स भी आपको और ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे आपको स्केल वगैरह चाहिए, टाइमर आपको मिल जाता है, कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, कंपास का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और जैसे आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह इंसर्ट करवाने वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कर्टन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा। इसके अलावा भाई आपको यूट्यूब का सपोर्ट यहाँ पर भी मिल जाता है, इमेज का सपोर्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, एक यहाँ पर आपको ये क्लाउड का एक सपोर्ट एक ऑप्शन आपको मिलता है। ये ऑप्शन क्या करता है, जैसे माई व्यूपोर्ट जो सॉफ्टवेयर है इसने खुद के क्लाउड को ऊपर कुछ एनिमेशन क्लिप्स स्टूडेंट्स छोटे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ एनिमेशन क्लिप्स वहाँ पर इंसर्ट करी हुई है, आप उसको यहाँ पर बोर्ड पर यूज कर सकते हो इजीली। जैसे मैं एजुकेशन की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको एनिमल, स्पोर्ट, डेली नेसेसरी और नेचर इस तरीके के कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं एनिमल की बात करूँ यहाँ पर आपको रोस्टर, जेब्रा, लोयन, माउस, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको लोयन के बारे में आपको बच्चों को पढ़ाना है, जस्ट आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बोर्ड पर, ठीक है, जो भी आपको आइकन यहाँ पर मतलब जो भी एनिमेशन आपको चाहिए जस्ट आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बोर्ड के ऊपर। जैसे आपको कंगारू के बारे में बताना है, कंगारू को भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ऐसा मल्टीपल चीज़ें भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके बाद में मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर आप साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो वो आप इजीली बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो बच्चों को कि जो लोयन है वो किस तरीके से रोर करता है, स्लीप करता है, तो वो एनिमेशन फॉर्म के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पर करके दिखाएगा। जैसे ये रोर, ठीक है, ये स्लीप, यहाँ पर इससे आपको कंगारू का भी देखने को मिल जाता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए भी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम आगे बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपने एंड्रॉयड वर्जन में देखा आपको थ्रो और पॉप क्विज का फीचर एंड्रॉयड वर्जन में भी आपको मैंने बताया था, आपको वहां पर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा और फीचर देखने को मिलता है। आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, कोई आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ में कोई क्वेश्चंस वगैरह आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन टाइप का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है देखने को। सिंपली आपको बस एक पेपर तैयार करना है, जैसे आप अपने एग्जाम के टाइम पर कुछ पेपर जो पेपर एक तैयार करते हो, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी आप यहाँ पर तैयार करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए पहले से ही आपने यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख नॉर्मल सा मैं एग्जांपल के लिए एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर अगर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट है वो जो इसका आंसर है वो 30 सेकंड के अंदर मुझे यहाँ पर थ्रो कर दे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन देने हैं तो मैं जो भी मेरे डिफेंस ऑप्शन है वो ही मैं यहाँ पर दे सकता हूँ।
मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल से कुछ आंसर्स लिख रहा हूँ ताकि फटाफट मेरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो जाए। बट इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर मैंने उसका इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से मैं चूज भी करके रखना चाहता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो दे दीजिए। ये चीज स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आप यहाँ पर अपने पास में प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन का टाइमिंग आपको सेट करना है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 30 सेकंड से आप लेकर 60 सेकंड तक आप इसमें चूज कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल एक मिनिमम 30 सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन और चाहिए, तो यहाँ पर मैंने प्लस का आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया। नॉर्मल सा मैं एक लिख रहा हूँ कि 2 + 2 = 5, एक मैंने यहाँ पर लिख दिया चूज द राइट आंसर। और मैंने यहाँ पर भी मेरा जो ओपिनियन है कि ये आंसर फॉल्स है, तो वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इसका भी मैंने जो भी मुझे टाइमिंग सेट करना, मैं अपना कोडिंग अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग टाइमिंग भी सेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर भी मैंने एक डेमो के लिए 30 सेकंड का ही यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर जो टाइमिंग उसको मैंने चूज कर लिया। उसके बाद में मैंने इसको भी यहाँ पर शो सेव कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो अपने, ठीक है। उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ पर शो क्वेश्चंस और ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके जो स्टूडेंट है उनको आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैंपेनियन ऐप के थ्रू वो आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली स्टूडेंट को उस आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि इतने बजे, जैसे आप नॉर्मली आप करते हैं कि इतने बजे आपका टेस्ट होगा, तो आप अपने अपने मोबाइल के ऊपर अपने ऊपर जो भी डिवाइस है आपका उसके साथ में ज्वाइन हो जाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ये कंपेनियन ऐप के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन हो रहा हूँ। इसी कंपेनियन ऐप के अंदर आप मोबाइल पर आप देखिएगा प्रो और पॉप क्विज के साथ में यहाँ पर एक पोल क्विज का फीचर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर टच करेंगे ये पूछता है कि किस होस्ट के साथ आपको ज्वाइन होना है, आपको अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करना है अपना होस्ट नेम, यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका होस्ट नेम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर खुद का नेम इंसर्ट करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। आप देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वेटिंग फॉर क्वेश्चन, मुझे स्टूडेंट को अभी तक कोई भी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन को चूज किया, उसके बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पर प्ले करते हैं आप देखिए यहाँ पर मोबाइल पर, यहाँ पर पहले वेटिंग फॉर क्वेश्चन लिखा आ रहा था, वहीं पर आपको एक क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया था उसके चारों आंसर्स और यहाँ पर टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है कि कितना टाइम बचा है आपको आंसर देने के लिए। कि जैसे मैंने आप मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान लिख के उसको सेंड कर दिया, जैसे ही मैं कोई भी ऑप्शन चूज करके उसको सेंड करूंगा मेरा यहाँ पर आंसर लॉक हो जाएगा। जब तक यहाँ, जैसे यहाँ पर टाइमर होगा ऑटोमेटिक सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट को यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और वहां पर भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर भी आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, मेरे ऑप्शंस आ रहे हैं और टाइमिंग भी चल रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर थ्रो करके उसको थ्रो कर दिया तो यहाँ पर मेरा आंसर वापस से लॉक हो गया। अब जैसे मैंने वहाँ पर दो ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था तो ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पर टाइम ओवर होगा तो स्टूडेंट के मोबाइल पर ऑटोमेटिक वापस से वेटिंग फॉर क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए इसका मतलब जो क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन टीचर ने दिए थे वो ओवर हो चुके हैं। अब उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, रेस्पॉन्ड यहाँ पर आ चुका है कि एक पर्सन का रेस्पॉन्ड आया है। अब आपको अगर यहाँ पर देखना है कि क्या क्या आंसर्स आए थे तो आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो कि कितने परसेंट लोगों ने क्या क्या आंसर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको देखना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितने परसेंट लोगों ने क्या क्या आंसर दिए। अब जितने भी आपके स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे, जितने भी आपके स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर आएंगे, आप चाहते हो उनको सेव करना, तो यहाँ पर आपको एक CSV का ऑप्शन मिलता है। आप उस फाइल को एक CSV फॉर्मेट में अपने PC के अंदर, जो अगर आप एक्सटर्नल PC यूज कर रहे हो तो एक्सटर्नल PC के अंदर, OPS यूज कर रहे हो तो OPS के अंदर आप उसको सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर उस फाइल को
सेव कर दिया। अगर आपको उस फाइल का नेम चेंज करना है तो आप नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट पेपर, ठीक है, और उसके बाद में उसको सेव कर दिया। ये मेरा जो मेरा क्वेश्चन पेपर मैंने प्रिपेयर किया था और जो स्टूडेंट्स के आंसर आए थे वो यहाँ पर मेरे पास में सेव हो चुके हैं। अब अगर मुझे उनको देखना है, जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को, अब अगर मुझे उस फाइल को देखना है तो आप यहाँ पर देखिए, मैं तो आपको यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर आपको एक टेस्ट पेपर के नाम से CSV फाइल देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इस फाइल को ओपन करते हैं आप देखिए यहाँ पर आपको जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, जो स्टूडेंट्स के आंसर्स आए थे, पूरी एक शीट बनकर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एक शीट बनकर तैयार नजर आ रही है। अब आप अगर जैसे मैं इनको इसके जो साइज है वो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली देखने को मिल जाए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको फाइल नजर आ रही है इसमें आप देखेंगे आपके क्वेश्चन का टाइप आ रहा है, आपके क्वेश्चन का टाइमिंग आ रहा है कि किस डेट को कितने बजे आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके आप देखिए यहाँ पर आपने जो आंसर्स आपने जो दिए थे ऑप्शन दिल्ली, राजस्थान, MP, UP, ये आपने आंसर्स वहाँ पर सेव किए थे। इसके साथ में आप देखिए, ठीक है, आप इसके साथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट आंसर जो आपने खुद ने चूज किया था, करेक्ट आंसर था दिल्ली, ये आपने चूज किया था, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का नेम आया कि किस स्टूडेंट ने आंसर दिया था, और यहाँ पर आप देखिए मैं आपको एक चीज और शो करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए पीरियड्स ऑफ सेकंड, पीरियड ऑफ सेकंड्स कि कितने सेकंड में स्टूडेंट ने आंसर दिया, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर आए हैं, अब आप देखेंगे जब ये आंसर्स आए हैं तो किस स्टूडेंट ने कितने सेकंड में आंसर दिया वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और सबसे फास्ट आंसर किसने दिया, सबसे फास्ट आंसर किसने दिया तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 22 में के 22 सेकंड में स्टूडेंट ने आंसर दिया था, तो यहाँ पर एक सिंगल आंसर आया था इसलिए इसी का दिखा रहा है। अगर काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आएंगे तो जिसने सबसे कम समय में आपका आंसर दिया है उसका नेम ऑटोमेटिक सबसे ऊपर दिखाई देगा, मतलब वो इसी सिक्वेंस में आपका आपके पास में आएगा कि सबसे पहले किसने दिया, मतलब सबसे कम टाइम में किसने दिया, उसके बाद किसने दिया, उसके बाद किसने दिया। तो इस तरीके से एक पूरी एक टेबल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, तो पूरा आप देख सकते हो कि किसने क्या आंसर दिया, किसका क्या सही आंसर क्या था, और किस किस ने क्या नाम ये गलत आंसर दिया है, वो सारा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हमको जो यहाँ पर और भी जो अगर ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। जब हम एंड्रॉयड में हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हमको एक कैप्चर ऑप्शन मिल रहा था कि आप वहाँ पर फाइल्स वगैरह है, जैसे कुछ PDF है, कुछ इमेजेस फाइल है, वहाँ पर एक स्क्वायर शेप में कैप्चर करके अपनी जो कुछ भी चीज़ अगर आप बोर्ड पर इम्पोर्ट करना चाहते हो, वहाँ से उस फाइल से क्रॉप करना चाहते हो तो ईजिली आप उसको क्रॉप कर पा रहे थे। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जब आप कैप्चर वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्री स्केल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पर मेरी जो पेन ड्राइव थी, एक और आप चीज देखिएगा इसके अंदर, मैं आपको एक और चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप OPS यूज कर रहे हैं तो आप देखिए मैंने जो पेन ड्राइव है यहाँ पर इसके फ्रंट पोर्ट पे यहाँ पर लगाई है, IFP के फ्रंट पोर्ट पे मैंने लगाई है, बट वो पेन ड्राइव मुझे मेरे OPS में भी शो हो रही है। मतलब इसके जो पोर्ट है, आप लैन पोर्ट ले लीजिए, USB पोर्ट ले लीजिए, ये इसके शेयर्ड पोर्ट है कि अगर आप
आईएफपी में भी अगर कुछ पेन ड्राइव या फिर लैन केबल्स वगैरह लगाते हैं तो वो आप ओपीएस पे भी यूज कर सकते हैं। आपके जो पेन ड्राइव वगैरह है वो आपको पैनल पे भी दिखाई देगी और ओपीएस पे भी दिखाई देगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक इमेज इंसर्ट कर दी, जैसे ये फाइल मैंने बोर्ड पे इंसर्ट करवाई है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट जिस शेप में बना हुआ है मुझे उसी शेप में बोर्ड को ऊपर यहाँ से क्रॉप करके इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक फ्रेस थ्री स्केल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसा आप देखिए, यहाँ पर आपको एक थ्री स्केल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये ऑल कैप्चर और क्रॉप के ऑप्शन आपको एंड्रॉइड वाले वर्जन में भी मिल रहे थे, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है थ्री स्केल का। तो आप चाहते हो कि ये जो पार्ट है ये जिस तरीके से बना हुआ है मुझे उसी तरीके से इसको क्रॉप करना है, तो आप उस शेप में डिजाइन करके राइट करके उसको क्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जो भी पार्ट आपको निकालना है किसी भी चीज के अंदर से, तो आप उसी तरीके से उसको आप उसी शेप के अंदर ड्रॉ करके उसको क्रॉप करके अलग निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी वही बैकग्राउंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सारे जितने भी आपको एंड्रॉइड में मिलते हैं वही सारे फीचर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हो, जो भी ऑप्शंस वगैरह आप यूज़ कर रहे हो वो सारा आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा और फीचर्स हैं जो आपको विंडोज़ के साथ में देखने को मिल जाते हैं। बाकी और जितने भी एंड्रॉइड के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको विंडोज मोड पे भी अगर वर्क करना चाहते हो तो सिंपली आप इस विंडोज वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक मिनिमाइज होकर यहाँ पर एक टूल बार आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको किसी भी फाइल है आपकी, इस फाइल के ऊपर आपको राइटिंग करनी है, सिंपल सा आप अपना पेन ले लीजिए और डायरेक्ट फाइल के ऊपर राइटिंग कर सकते हो, फाइल के ऊपर कर सकते हो। किसी भी वीडियोज पर आपको राइटिंग करनी है या फिर किसी भी इमेजेस वगैरह पर आपको राइटिंग करनी है, इंटरनेट पर आप कुछ ब्राउजर पर आपको सर्च कर रहे हो उस पर आप सब जगह पर आप इसमें राइटिंग कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको विंडोज़ में एक्स्ट्रा और देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा जो इसका विंडोज़ वर्जन है वो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारा जो पैनल है वो आपको कैसा लगा ये भी हमें देख ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।